शुद्ध देसी किचन पे आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं। उसका रेसिपी देखिए, 5 आलू है बॉईल किया हुआ, ये कांदा है बारीक बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन की मिर्ची का पेस्ट है, 2 चम्मच सरसों का तेल, जिसको सरसों नहीं समझे तो राइस समझिए, क्योंकि आलू को फ्राई अच्छे से करना है, सेकना है मसाला। 2 कांदा बारीक बारीक कटा हुआ है, कांदा को अच्छे तरह से भून लीजिए, कम ब्राउन कर लीजिए, कांदा हल्का फ्राई हो गया, लहसुन अदरक मिर्ची का जो पेस्ट है उसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट इसलिए डालते हैं, अदरक लहसुन मिर्ची साथ में डालते हैं, खाते समय आपको खून में अंदर एकदम जवान के अजीब सा आता है। पीसने के बाद इसको आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो पहले जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर डाल दिए, गरम मसाला हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल दिए, इसके बाद आलू स्मैश जो किए, 5 आलू जो रखे थे स्मैश करके, मसाला को अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको आलू में, धनिया पत्ता बारी बारी जो कटा हुआ है वो डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स कर लीजिए उसको अच्छे से, मसाला रेडी हो गया बन के, तो ठंडा करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर इसको आटा में भर के, जो आटा गूंधे हुए उसमें भर के पराठा बना के आप लोगों को दिखा देंगे। चलिए इसको अभी ठंडा हो गया आलू, इस तरह से आप भर लीजिए इसको आटा के अंदर, आटा गूंध के हल्का सा नमक जरूर लगाइए इसमें, हल्का नमक और अजवाइन जिसको बोलते हैं वो तो हल्का डाल दिए हैं। स्लोली स्लोली भी एकदम हल्का हाथ से इसको घुमाइए, इसको डाल देंगे अभी स्लो आंच में, गर्मा गर्म पराठा है, करंचीदार मस्त टेस्टीदार, इसके साथ दही लीजिए, चटनी लीजिए और मस्त गरम गरम घर में बैठ के सुबह की टाइम खाइए। शुद्ध देसी किचन पे आलू का पराठा गर्मा गर्म टेस्टीदार मजेदार रेडी है बनके। शुद्ध देसी किचन पे जाइए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, तो देखते रहिए शुद्ध देसी किचन और एंजॉय कीजिए।